एक लड़का जो घर से बाहर रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, इस दिवाली के शुभ अवसर पर उनकी माँ ने उस स्टूडेंट को कॉल की और कही कि बेटा तुम कब आ रहे हो, इस दिवाली पे आओगे या नहीं। तो दोस्त पता है उस स्टूडेंट ने अपनी माँ से क्या कहा? उसने बोला कि माँ मैं फिर इस दिवाली पे घर नहीं आ पाऊँगा, माँ आप अच्छे से दिवाली को मनाइएगा, हम अगले दिवाली में ज़रूर आपके साथ होंगे माँ। दोस्त एक स्टूडेंट का दिवाली में घर आने से मना करने का दर्द और स्ट्रगल क्या होता है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। दोस्त सपने तो इनके भी होते हैं दिवाली और छठ अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली के साथ मनाने का, लेकिन दोस्त एक स्टूडेंट का बिना जॉब का कोई सेलिब्रेशन अच्छा ही नहीं लगता है। अपनी खुशी को त्याग करके दिवाली के दिन भी एक कमरे में बैठकर अपने सपने से लड़ रहे होते हैं। दोस्त पता है दिवाली के रात ये लड़का सोचता है और मन ही मन कहता है कि माँ मैं फिर से इस दिवाली पे आपके साथ नहीं हो पाया हूँ, माँ मैं आपके सपने अभी तक पूरा नहीं कर पाया, पता नहीं कब मैं अपनी माँ को दिवाली के दिन साड़ी और पिता के लिए कपड़े खरीदूँगा। दोस्त जिस रात सभी पटाखे जला रहे होते हैं उसी रात एक स्टूडेंट अपने करियर के बारे में सोचता रहता है, और दोस्त एक स्टूडेंट यही सब सोचकर अपनी रातों के नींद को उड़ाए रहता है। लेकिन दोस्त ये स्टूडेंट भी क्या करें, इनके हाथ में तो सिर्फ मेहनत ही होता है, एग्ज़ाम कराना ना कराना ये तो आयोग के हाथ में और हमारी गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इन्हें हम स्टूडेंट का दर्द से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर इन्हें मतलब होता तो अब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम करा लिए होते, जो कि 3 साल से अभी तक पेंडिंग में है, सिर्फ फॉर्म भरवा के रखे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अरे आप कब तक एक स्टूडेंट को एक सरकारी नौकरी के लिए तरपाइएगा? अरे आपके लिए सिर्फ एक नौकरी होगा, लेकिन हम स्टूडेंट के लिए ये नौकरी नहीं बल्कि इसमें हमारे माँ बाप के सपने छुपे होते हैं। अरे जब आपको एग्ज़ाम कराने ही नहीं होती है तो ये फॉर्म क्यों भरवाते हैं? मत भरवाइए ना, ये झूठा उम्मीद क्यों देते हैं स्टूडेंट को? अरे बताइए ना साहब, कब तक मैं तैयारी करता रहूँगा? अरे हमारे भी कुछ सपने होते हैं, मुझे भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है। साहब कभी तो हम स्टूडेंट का दर्द को समझ लीजिए।